होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आपने हमने पिछली 3 वीडियोस में क्या बात की थी कि जी डेटा रेंगलिंग क्या होती है, और हमने उसके लिए 5 वर्ब्स को मेनली डिस्कस किया था। और वो वर्ब्स क्या क्या थे, आपके पास म्यूटेट था, अरेंज था, सिलेक्ट था, फिल्टर था और समराइज था। अब आज हम ये जो बात करने जा रहे हैं, अब वो जब हम डेटा को समराइज कर लें, डेटा के टेबल्स बना लें, ये सारी चीजें कर लें, तो डेटा को विजुलाइज कैसे करना है। तो आज की हमारी जो वीडियो है ये इस चीज को बताएगी कि हमें डेटा को विजुलाइज कैसे करना है। तो बेसिकली हम आज की वीडियो में ggplot2, ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, गार्डियन, बीबीसी टाइप प्लॉट्स, ये जो प्लॉट्स हैं ये बीबीसी प्लॉट्स हैं, ये ब्यूटीफुल चार्ट्स आप कैसे बना सकते हैं, आप कैसे जो है वो ggplot2 को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल इन आर इज मेकिंग ग्राफ्स यूजिंग दिस ggplot2 ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, तो इस पे आज हम बात करेंगे। तो इस पे बात करते हुए हम ये जो आपके पास प्लॉट्स हैं इसकी बात करेंगे। उसकी 3 बेसिक चीजें हमने डिस्कस करनी है। वो 3 बेसिक चीजें कौन सी हैं, वो हैं बेसिकली, पहली चीज है डेटा, दूसरी चीज है कि आपने एक्स और वाई एक्सिस पे क्या रखा, तीसरी चीज है कि आपने बार चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है, स्कैटर प्लॉट बनाना है, बॉक्स प्लॉट बनाना है। तो ये जो आपके पास ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट कौन सा है, फिर अगले वाली चीजें उन्हीं चीजों को ज्यादा रिफाइन करने के लिए यूज होंगी। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि जी ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स पे जो लेयर्स ऐड होती जाती हैं वो कैसे होनी है। सबसे पहले डेटा आना है, डेटा के बाद एस्थेटिक आ जाना है। एस्थेटिक का मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस या सिंगल एक्स एक्सिस या जो है वो एक्स वाई और साथ में कलर देना चाहते हो। और फिर उसके बाद क्या चीज है, डेटा आ गया, एस्थेटिक आ गया, ज्योमेट्रिक, तो इसका हम ज्योम पिक करेंगे। तो ज्योमेट्रिक, ज्योम लाइन लेना है, ज्योम पॉइंट लेना है, ज्योम बॉक्स लेना है, ज्योम बार लेना है, ज्योम कॉलम लेना है। तो ये जस्ट एक वर्ड यूज करें, ज्योम अंडरस्कोर, और वो खुद ही आपको जो है वो इंडिकेट कर देगा। स्केल्स, लार्ज स्केल है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या रखना है, एक्स को कैसे लेबल करना है, वाई को कैसे लेबल करना है, टाइटल कैसे लेबल करना है, सब टाइटल कैसे लेबल करना है, डेटा का सोर्स कैप्शन कैसे लेबल करना है। अगर आपके पास 2 साल का डेटा और हर 2 साल के डेटा को आप हर ईयर बाई ईयर देखना चाहते हैं तो फेसेट आ जाएगा। थीम्स, क्या आप न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्लॉट चाहते हैं, क्या आप जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल का थीम चाहते हैं, क्या आप दी इकोनॉमिस्ट का थीम चाहते हैं, एक्सेल का थीम चाहते हैं, स्टेटा का थीम चाहते हैं, कौन सा थीम चाहिए। तो ये चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली चीज क्या है, डेटा, दूसरी चीज क्या होगी, एस्थेटिक का सिर्फ AES हमें लिखना होगा, तीसरी चीज ज्योम होगा, चौथी चीज फिर स्केल और कोऑर्डिनेट और लेबल्स, अभी आ जाती है बात, तो हम इस पे बात करेंगे। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि आज हम अपने डेटा को प्लॉट कैसे करना है आर में, तो उसके लिए बहुत सारे बेस आर के पैकेजेस भी हैं, लेकिन हम कौन सा यूज कर रहे हैं, GG, ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। तो देखिए पहली चीज क्या चीज है, डेटा, GG प्लॉट के अंदर आपने क्या चीज देनी है, डेटा। डेटा के बाद दूसरी चीज क्या देनी है, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर वेट कर ले। हाईवे, जियाम पॉइंट, जियाम स्मूथ, तो ये जियाम स्मूथ क्या करता है, लाइन फिट कर देता है, एक फ्री 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 लाइन फिट कर देता है, लीनियर एक होती है ना OLS, वो तो बहुत स्ट्रिक्टली लीनियर होती है, तो ये क्या है, लोएस मेथड से आपको जियाम स्मूथ कर देता है। फिर उस चीज को आप चाहें तो आप इसको चाहे तो आप सिर्फ ये लिख दें तो ये ग्राफ डिस्प्ले हो जाएगा। हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि हमारे पास ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, तो अगर आप इसको पी वैल्यू पी पी प्लॉट 1 P1 P2 कुछ असाइन कर देंगे तो
तो ये आपके पास जो है वो क्या होगा, आपके पास उसको वो शो नहीं होगा जब तक कि आप पी को दोबारा से लिखेंगे नहीं। अभी हम चेक करते हैं, इस पी में एक न्यू लेयर ऐड कर दें जियाम स्मूथ, उसमें फिर प्लस करके और ऐड कर दें। तो जैसे वहां हम पाइप ऑपरेटर यूज करते थे, हमारा ये पाइप ऑपरेटर था, यहां पे हम जो है वो हर न्यू लेयर से पहले प्लस ऐड करेंगे। इस प्लस के बाद चाहे आप यहां पे टाइप कर लें, चाहे आप न्यू लाइन में चले जाएं, फिर आप प्लस, फिर आप न्यू लाइन, फिर आप प्लस, तो यू कैन कीप ऑन डूइंग दिस। अभी हम चेक करेंगे ये सारी चीजें। तो ये देखिए आपके पास क्या चीज है, यस लेट्स गो। तो सबसे पहली चीज, जब आप डेटा सिर्फ दिया तो कुछ भी नहीं आया, यहां सिर्फ एक शेड बना है। आपने इसमें एक्स और वाई एक्सिस दे दिए तो क्या बना, और सॉरी आपने एक्स और वाई एक्सिस दे दिए तो उसने क्या किया, हाईवे, हाईवे पे माइलेज पर गैलन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इंजन कैपेसिटी इन लीटर्स क्या है। तो देखिए अभी भी ग्राफ नहीं बना, दो चीजें हमने दे दी, एक डेटा दे दिया और एक एस्थेटिक दे दिया। लेकिन क्या आप बार प्लॉट चाहते हो, बॉक्स प्लॉट चाहते हो, तो उसके लिए हमें एक और चीज को ऐड करना है, और वो क्या है, ज्योम पॉइंट। जब आपने ज्योम पॉइंट कह दिया तो उसने क्या किया कि जितनी ये स्कैटर प्लॉट आपको मिल गई कि डिस्प्लेसमेंट इन लीटर्स, जितनी इंजन की पावर ज्यादा होती जाएगी माइलेज पर लीटर कम होती जाएगी, माइलेज पर गैलन कह लें। अब आपने क्या किया, अब आपने यहां जियाम पॉइंट के अंदर एक स्थैटिक ऐड कर दिया। उसने क्या किया कि गाड़ी की जो क्लास है वो क्लास थोड़ी सी नजर आने में, यहां थोड़ा सा मसला है, टू सीटर है, कॉम्पैक्ट है, ठीक है, मिड साइज है, मिनिमम है। तो ये बेसिकली उसने गाड़ी की जो क्लास है उसके लिहाज से आपके ये डॉट्स को कलर कर दिया। तो देखिए कितना आसान है, वापस चलते हैं, वापस चलते हैं, डेटा, एस्थेटिक, जियम पॉइंट, कलर, तो ये आपके पास कलर्स आ गए। और जियम स्मूथ आपने क्या किया, आपने ये प्लस ऐड किया, ये प्लस, और उसके बाद आपने जियोम स्मूथ कर दिया। अगर यहां स्टैंडर्ड एरर फॉल्स कर देंगे तो ये जो शेडेड, ये ब्लू के अराउंड शेडेड एरिया है, जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं, ये डिस्प्ले नहीं होंगे। तो इन दिस वे यू कैन मेक इट इन अ वेरी सिंपल वे, कि पहली चीज है जीजी प्लॉट, डेटा का नाम प्लस एक्स वाई एक्सिस का नाम प्लस जियोम पॉइंट चाहिए, जियोम स्मूथ चाहिए। तो लेट्स गो एंड डू इट विद आवर, विद दिस डेटा इन आवर आर स्टूडियो, ठीक है जी। तो ये देखिए मैंने, ये जीजी प्लॉट है, वही लाइब्रेरी एक टाइडीवर्स हमने यूज कर ली। मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपकी विजिबिलिटी जो है वो, तो हमने क्या किया, लाइब्रेरी टाइडीवर्स, आपको पता है जीजी प्लॉट इसी के अंदर बिल्ट इन होता है, लाइब्रेरी जीजी थीम, अभी नहीं, अभी बात आ जाती है। अच्छा आपको माइलेज पर गैलन डेटा है क्या, तो आप क्वेश्चन मार्क करके हेल्प दे सकते हैं। तो यहां पर ये सारे डेटा की जो है वो आपको स्टोरी मिल जाएगी। लेट्स मूव। हमने कहा पहली चीज क्या करनी है, जीजी प्लॉट डेटा का नाम, आप चाहें तो सिर्फ एमपीजी भी लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं है डेटा इक्वल लिखें, लेकिन ये डेटा का नाम है। तो आप देखिए ये एरिया शेड हो गया है, ये ग्रे एरिया हो गया, लेकिन इस पे अभी डिस्प्ले कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसमें कर दिया प्लस। अब हम क्या करें, प्लस क्या कर रहे हैं, उस लाइन में भी लिख सकते थे, एस्थेटिक जो ही लिखेंगे वो खुद ही देगा। एक्स हमने पहला जो होता है उसको एक्स बोलते हैं, डिस्प्लेस नहीं भी लिखेंगे तो आ जाएगा। वाई इक्वल टू हाईवे, आप चाहें तो सिटी की एवरेज, सिटी वाई भी लिख सकते थे। अगर अभी इसको मैं करूंगा तो उसने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो दे दिया लेकिन प्लॉट नहीं दिया, क्यों, क्योंकि उसको मैंने ये नहीं बताया कि मैं ज्योम पॉइंट करना चाह रहा हूँ, ज्योम उसको जो है वो बॉक्स करना चाह रहा हूं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ज्योम, ये देखिए खुद ही मिल रहे हैं। अब ये देखिए बार एरिया, ये देखिए तो ये खुद ही सारे के सारे जो है वो बार बार ये पूरे के पूरे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, जाम अंडरस्कोर पॉइंट। हम स्कैटर प्लॉट है क्योंकि दोनों के दोनों कंटिन्यूस वेरिएबल है। ओके कंट्रोल एन एंटर कर दें,
नहीं हो रहा। अच्छा एक सेकंड जी, कोई चेक करते हैं। अच्छा जी, हम इसको ये इसमें जो है वो एक लेयर ऐड करते हैं, और यस, तो ये आपके पास जियॉम पॉइंट आ गया। अब आप देखें तो ये वही चीज है जो हम इसमें, चल जियॉम पॉइंट आ गया। अब आपने क्या किया, आपने यहां पे एक कलर दे दिया क्लास, यानी कि हर पॉइंट को कलर कर दो एज पर गाड़ी की क्लास, क्या है, टू सीटर है, कॉम्पैक्ट है, बड़े वाली है, छोटे वाली है। तो आपने इसको कॉम्पैक्ट कर दिया और उसके बाद आपने इस ब्रैकेट को क्लोज किया और आगे जियॉम पॉइंट, एक ये वे है। दूसरा वे ये है कि आप जियॉम पॉइंट के इनसाइड लिख दें एस्थेटिक, ऊपर यहां पे नहीं कलर लिखे, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे एक्स और वाई लिखा और यहां पे लिख दिया एस्थेटिक कलर इक्वल क्लास, तो रिजल्ट वही रहेगा, रिजल्ट वही रहेगा। ठीक है जी, तो अब आप देखें कि हम क्या कर रहे हैं, लेयर बाय लेयर ऐड किए जा रहे हैं। तो आप, मैं वापस अगर उस स्लाइड पे जाऊं जो मैं अभी आपको स्लाइड दिखा रहा था, तो ये देखिए लेयर्स कैसे ऐड हो रही हैं। ये पहली चीज डेटा आ गई है, दूसरी चीज एस्थेटिक आ गई है, तीसरी चीज ज्योमेट्रिक आ गई है। अब इसके बाद हम ये अगले वाली लेयर्स ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहां तक तो प्लॉट बन गया ये। अब आपने इसमें एक न्यू लेयर ऐड कर दी, आपने कहा प्लस, आप दोबारा से जियॉम, आपने लाइन करनी है स्मूथ और वो एक फ्री लाइन फिट कर देगा। अब अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रे एरिया ना हो, या यहां पे आप लिखते हैं मेथड इक्वल टू लीनियर मेथड स्टैंडर्ड एरर इक्वल फॉल्स, तो वो क्या करेगा, उसने सीधी स्ट्रेट लाइन फिट कर दी है। क्यों, क्योंकि आप आपने लीनियर मेथड उसको मेंशन कर दिया। तो ये देखें रिग्रेशन लाइन भी फिट हो गई है। अब इसमें बड़ी मजेदार चीज है, जस्ट एक सिंगल कमांड से हर कलर के लिए अलग अलग रिग्रेशन लाइन भी फिट हो जाएगी। तो इट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ गेटिंग डीप इनसाइट अबाउट डेटा। मैं अपने रियल डेटा अली फिलान और उन पे भी बात करूंगा, और जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा होगा उस पे भी बातें होंगी, बट एट द मोमेंट हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके पास जाम स्मूथ आ गया, तो अगर फ्री लाइन है तो ऐसे, अगर आपने लीनियर दी थी तो वो। अच्छा अब आप देखिए, तो आप चाहते हैं कि जी जितनी क्लासेस हैं, टू सीटर, कॉम्पैक्ट, मिड साइज, मिनी वैन, पिकअप, सब कॉम्पैक्ट, सूव, आप चाहते हैं कि हर एक की अपने अपने तौर पे बॉक्स प्लॉट मिल जाए। तो आप क्या किया, अगेन जीजी प्लॉट प्लस, अब आपने क्या किया, ओ सॉरी, आपने यहां प्लस के बाद आपने कहा एक्स हमारी क्लास है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे गाड़ी का टाइप आ जाएगी और वर्टिकल एक्सिस पे उसकी माइलेज ऑन हाईवे पर गैलन आ जाएगी। और अब आपने इसको जियॉम पॉइंट की बजाय क्या कह दिया, जियॉम बॉक्स प्लॉट। और ये कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको याद करना है, आपको सिर्फ बॉक्स, आप ये देखें ये खुद ही वो डिस्प्ले करेगा और टैब प्रेस कर दें तो ये देखिए जियॉम बॉक्स प्लॉट। फिर इसको फर्दर हम कैसे एडवांस जियॉम बॉक्स प्लॉट और इसको कैसे फर्दर रिफाइन करेंगे वो चेक करेंगे। इसी तरह से आप चाहते हैं कि हर टाइप की जो गाड़ी है उसका टोटल नंबर डिस्प्ले हो जाए, तो वो क्योंकि कैटेगोरिकल डेटा है तो आप क्या करेंगे, बार प्लॉट बनाएंगे। तो आपने वही डेटा दे दिया, क्लास और जियॉम बार। तो आप देखें तो सूव सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्स है और सबसे कम जो है टू सीटर है, मिनी वैन तीसरे नंबर पे है और ये वाली है। अगर आप चाहते थे कि जी आप इसको कलर भी दे दें तो आप इसको कलर भी दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसको कलर दें एज पर कि जी ये जो है वो बेसिकली फील करें इसको कि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, रियर पिछले पहिए वाले पे जोर लग के चलने वाली है, या कि ये फोर के फोर व्हील्स ड्राइव है, तो वो इंजन टाइप क्या है। तो हमने कहा ये यहां तक तो जाम बार आया था, अब हमने यहां एक छोटी सी चीज कर दी, फिल इक्वल ड्राइव, स्टैक बार चार्ट नजर नजर आ गया, मजे की बात है। अब आप कहते हैं जी पोजीशन इक्वल डॉज, तो साइड बाय साइड प्लॉट आ गया है, नहीं आया, कोई बात नहीं है।
जी, अब आप चाहते हैं तो एक ये भी था, देखिए अब हर दफा हम नई नई चीज लिख रहे हैं। एक ये था कि हम यहां पे जियाम स्मूथ तक का हमने बनाया हुआ था, तो ये देखिए पी, अब हमने पी तक, ये पी जब ये प्रेस किया ना, आप जरा इस पे चेक कीजिए, जब ये सारे का सारा किया और इसको नाम मैंने दे दिया पी, तो यहाँ पे अगर इसको मैं रब कर दूं तो आप देखिएगा कुछ भी नहीं डिस्प्ले होगा, यानी कि अगर इस कमांड को कंट्रोल एंटर करूं तो कुछ नहीं डिस्प्ले हुआ, क्यों? क्योंकि इसको मैंने पी प्लॉट नेम पी कह दिया, लेकिन जब मैं पी प्रेस करूंगा तो आई हैव दिस वन ग्राफ। अब बजाय इसके कि मैं यहाँ पे ये सारा लिखूं और फिर इसमें प्लस ऐड करूं, प्लस तो एक वे ये है कि इसको मैंने पी कह दिया और पी प्लस, यानी कि जो कुछ यहाँ किया हुआ था उसमें प्लस का साइन करने के बाद वहां पे हम पाइप ऑपरेटर लगाते थे प्लीज रिकॉल, तो यहाँ पे हम जो है वो प्लस का साइन। तो फेसेट रैप, यानी कि मैं चाहता हूँ हर साल के लिए जो है वो गाड़ियों की वो शेप कैसी आई है, तो ये देखिए उसने 2 साल का अलग अलग डिस्प्ले करके दे दिया, तो ये उसके पास हमारे पास 1999 और जो है 2008 दोनों तरह का वो जो है डिस्प्लेसमेंट, और ये तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक ही दफा डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ा, हाईवे पे एक ही दफा लिखना पड़ा। और हमेशा याद रखिए जब दो ग्राफ्स को कंपेयर कर रहे होते हैं तो वर्टिकल एक्सिस जो है उनका स्केल सेम रहना चाहिए, जो कि इस केस में सेम रहा। फर्दर चलते हैं, अब आप चाहते हैं कितने सिलेंडर इंजन है, 2 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, तो वो भी आपके पास आ गया कि जी ये 4 सिलेंडर है, 5 सिलेंडर कार है, 6 सिलेंडर कार है, और साथ साथ साल भी आ गए, तो देखिए ये कितनी डायमेंशन बन गई है, 4 सिलेंडर इंजन, 5, एक ये आ गया, दोनों साल आ गए, फिर जो क्लास है गाड़ी की जो टाइप है वो आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, हाईवे आ गया, तो दिस इज कॉल्ड जो है ना वो आप कह लें 3D 4D चार्ट, या आप इसको चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। अब आप देखिए, हाँ इसमें देखिए हम इसको पे जाने से पहले इसको छोड़ देते हैं, रब करते हैं। अब हमने क्या किया, हमने कहा जी पी प्लस फेसेट अंडरस्कोर रैप, और हमने ये टिल्डे का मतलब है हर साल के लिए, और यहां पे कर दिया प्लस। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो यूजुअली हम मिस कर जाते हैं अपने विजुअल्स में, कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं लैप्स, अच्छा टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे आपका लिख रहा हूं एक्स इक्वल इंजन, वाई इक्वल, ये हमेशा आपने इन्वर्टेड कॉमास में देना है, एक्स इक्वल टू इंजन डिस्प्लेसमेंट, फर्दर आप उसको लीटर्स में वो करते रहिए, कॉमा दें, वाई इक्वल, ये मैं इस वक्त आप इसके कॉमा कर रहा हूं, टाइटल दीजिए, सब टाइटल दीजिए, इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा के बाद अगला कैप्शन दे दिए, और ये व्हीकल क्लास दीजिए। तो बेसिकली अगर आप देखें तो मैंने ये काम कर दिया, अगर मैंने ये सारा कुछ सही किया है तो आप देखिएगा ग्राफ कैसा बनता है, ये देखिए मजेदार चीज हो गई कि आपको ये सब टाइटल न्यू लाइन में देने की जरूरत ही नहीं है, मोर डिस्प्लेसमेंट, आप इसको बड़ी लंबी स्टोरी बना सकते हैं, तो स्टोरी टेलिंग विद ग्राफ्स, तो ये इंजन डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये देखें यहाँ पे कॉर्नर में सोर्स आया हुआ है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ये दिया हुआ है, ये देखें इधर आपका नाइस वर्टिकल एक्सिस गिवन है, तो दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट इट। तो अब आप इसको चाहें तो फर्दर स्केल्स दे सकते हैं, तो ये ऑल डिपेंड्स के आप इसको कितना करना चाहते हैं, लुक हियर, तो ये अब हमने क्या किया, हमने इसमें एक चीज और ऐड कर दी, स्केल कलर दिस वन, तो उससे क्या हुआ ये ग्राफ्स का आपका जो कलर्स हैं, जो डिस्प्ले है उसकी नेचर पॉइंट्स की वो डिफरेंट हो गई, तो इट ऑल डिपेंड्स के आपको क्या चीज सूट कर रही है। इस फाइनल बस 2-3 मिनट में मैं खत्म करता हूं। आपने क्या किया, सबसे पहली चीज क्या है, जीजी प्लॉट डेटा का नाम प्लस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या चीज है, वर्टिकल एक्सिस पे क्या है प्लस, आपको स्कैटर प्लॉट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, बॉक्स प्लॉट चाहिए, तो वो डिपेंड करेगा कि जी क्या चीज चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिख दिया पॉइंट, तो दोनों कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होंगे तो ये पॉइंट होता है, और यहाँ पे आपने कहा कलर दे दो क्लास के लिहाज से, नहीं दे चाहिए तो फिर वो ये जो है वो कलर्ड पॉइंट्स नहीं देगा,
उसके बाद आपने क्या कहा, आपने कहा स्मूथ कर दो। उसके बाद आपने इसमें प्लस लेयर ऐड कर दी, आपने कहा जी फेसेट रैप कर दो। अब क्या होगा कि मैं यहां पे बारी बारी चलता जाऊंगा, फर्ज करें इस प्लस को मैं नीचे रब करूंगा, मैं देखूंगा यहां तक कोई मेरा एरर तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। मैं इस प्लस को वापस लेके जाऊंगा, मैं कहूंगा अच्छा जी यहां तक कोई मेरा एरर तो नहीं है, अगली लेयर में एरर नहीं है, मैं वापस गया। तो इस तरह से मैं इसको वन बाई वन, उसके बाद मैंने प्लस किया, लेबल्स दे दिए, लैब्स और इनसाइड एक्स इक्वल इन्वर्टेड कॉमास कॉमा वाई इन्वर्टेड कॉमास कॉमा, ये सारा मैं दे दिया, टाइटल जितना जीचे लंबा कर लें, कलर दे दिए। एक चीज अब हमने और ऐड कर दी, हमने कहा जी थीम मिनिमल, और टेक्स्ट जो है हमारा फिरा सेंस है, आप चाहते तो कोई और भी दे सकते थे, और ये जो लेजेंड्स हैं यहाँ पे गिवन, हम कहते हैं ये बॉटम में होने चाहिए, तो लेजेंड डॉट पोजिशन एट बॉटम होगी। तो आप देखिए तो यही ग्राफ आपका इस फॉर्म में डिस्प्ले हो गया, जिसमें लेजेंड्स जो है वो बॉटम पे हो गए। अगर जो लेजेंड्स पे मेरी और बहुत ज्यादा जो है वो रिजर्वेशंस हैं, मैं चाहूंगा कि ये लेजेंड्स जो है यहाँ पे डिफरेंट कलर्स, जो इनके यहाँ पे डॉट के कलर्स हैं, यहाँ पे टाइटल में यही लेजेंड के कलर्स हों, ताकि ये लेजेंड वाली स्पेस जो है ये भी हमारी बच जाए और ये ग्राफ की स्पेस के लिए यूज हो जाए। अब आप चाहते हैं कि इकोनॉमिस्ट टाइप ग्राफ बनाएं या वॉल स्ट्रीट जर्नल टाइप, तो एक पैकेज इंस्टॉल करना है, पैकेज के बारे में मैंने पहले भी बताया था, एक दफा इंस्टॉल करना है, उसके बाद उसको रिकॉल करना है। तो हमने क्या किया, हमने अब यहां तक तो काम सारे का सारा एज इट इज चला था, यहां तक हमारा काम एज इट इज था। आप देखें बहुत दफा हम कर चुके ये चीज। अब हमारे पास हमने यहां पर क्या क्या कह दिया, थीम, आप जब ये थीम अंडरस्कोर लिखेंगे जीजी थीम, तो ये देखें इकोनॉमिस्ट का थीम चाहिए, तो वो इकोनॉमिस्ट की तरह का टाइप चार्ट दे देगा। ये देखें इकोनॉमिस्ट में लाइट ब्लू कलर होता है ना, आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल टाइप चार्ट चाहिए, तो यहाँ पे आप खुद ही वो आपको अंडरस्कोर के बाद डब्ल्यू एस, तो ये देखें ये वॉल स्ट्रीट जर्नल टाइप, तो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो है वो फॉन्ट आ गया। तो ये आप इसको चाहे तो आप देखें, तो ये सोर सोर कितना एक नाइस वे से ये आपके पास आ गया। आप चाहते हैं कि ये गार्डियन की तरह का आए, जी यू नहीं है, ओके थीम अंडरस्कोर आप देखें तो इसमें डार्क क्लीन 530.com ग्रे लाइट ग्रे, तो देर आर सो मेनी थीम्स, तो आपको जिस तरह का थीम चाहिए आप वो वाला ले लें, और उस तरह का स्टेटा का थीम स्टेटा ग्राफ टाइप चाहिए तो ये देखिए स्टेटा वाला आ जाएगा। तो ये स्टेटा का ग्राफ इस तरह का होता है, आपको चाहिए एक्सेल तो एक्सेल का कर दें, एक्सेल न्यू कर दें। तो इट ऑल डिपेंड्स कि जी आप क्या चीज इसमें चाह रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन वर्क विद दैट 538.com, ये बहुत अच्छी ब्लॉग साइट है, आई लव दिस, ठीक है। तो ये आपके पास 538.com का ब्लॉग ये वाला ग्राफ आ जाएगा। तो मैं इससे आगे इन ग्राफ्स को सेव कैसे करते हैं, ताकि इनकी जो जो पिक्चर है वो इसी इसी जो है वो उसकी जो है एस्पेक्ट रेशियो और बाकी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो, जब आप कॉपी पेस्ट करें या कहीं इंसर्ट करें, तो इन चीज़ों पे इसके बाद बात होगी। या आप अपना थीम कैसे रख सकते हैं, तो इस पर हम जो है वो अपनी एडवांस लेवल पे बात करेंगे। इससे अगली वीडियो में मैं अगेन अपने रियल डेटा को लेके जो है वो इस चीज को आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, फर्दर कुछ एस्पेक्ट्स जीजी प्लॉट के करूंगा। तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, लेकिन वॉच करने से कुछ नहीं होगा, प्लीज डू अ गुड प्रैक्टिस। ये जितनी चीजें की हैं इसको कमांड्स हाथ से लिखें और यहाँ टाइप करें, कॉपी पेस्ट नहीं करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।